अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम अपने बेसिक्स के पहले लेसन पे, मेरी कोशिश थी कि मैं किसी प्लेयर को ले लूँ, सज्जाद बिजी था, एक प्लेयर को मैंने बुलाया, मुझे उसका स्टांस बहुत पसंद था। जब मैंने सोचा कि मैंने कहा ठीक है यार तुम घर में जाके सो जाओ, मेरा स्टांस उनसे ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके यहाँ 3 लाख क्यू के, उससे भी ज़रूरी है कि आपके पास अपना ज़ाती क्यू होना चाहिए। जो लोग स्नूकर खेलना चाहते हैं उनके पास अपना ज़ाती क्यू होना चाहिए, और जो लोग क्यू नहीं खेल ले सकते अपना, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप क्यू में ही इतने परेशान हैं तो फिर इस गेम को आप ना खेलें। ये बहुत ज़्यादा महंगी गेम है, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी क्यू लें। देखें, सबसे पहले इसके लिए जो ज़रूरी है, क्यूइंग की टेक्निक मैंने आपको बता दी थी। लाइन ऑफ एम बहुत ज़रूरी है, आपकी जो लाइन ऑफ एम है, मैंने बहुत से लोगों को चेक किया, बहुत से लोगों की कोचिंग से, वो क्यू का, शोल्डर का, एल्बो का, इन चीज़ों का ऊपर का बताते हैं, आपको टांगों से नीचे के बॉडी फ्रेम का कोई भी नहीं बताता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो लाइन ऑफ एम है वो आपके नीचे वाले बॉडी फ्रेम से स्टार्ट होता है। मतलब ये मैंने टेप लगाई हुई है क्यू बॉल की लाइन पे, ये आपकी लाइन ऑफ एम है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो ये राइट वाली टांग है वो आप क्यू बॉल से स्ट्रेट रखते हैं पैर को, या क्यू बॉल से बाहर रखते हैं, या क्यू बॉल से अंदर रखते हैं, जहाँ पर आप इसको बिल्कुल कंफर्टेबल समझें और आपकी क्यू बॉल साइड ना हो रही हो, वो आपकी परफेक्ट लाइन होगी। मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट क्यू बॉल के ऊपर है। सज्जाद साहब उनकी जो लाइन है वो क्यू बॉल से बाहर है। एक लड़का मैंने देखा था रहीम यार खान से, और मैंने अपने तकरीबन कोचिंग के 20 साल का कैरियर में एक ही लड़का देखा है जिसकी लाइन ऑफ एम बनती थी पैर के टखने से। उसकी आदत थी कि वो पैर के टखने से अपने बॉडी को सीधा करता था। आप भी था रहीम यार खान से, अब उसे याद हो अपनी लाइन की नहीं, लेकिन मुझे उसकी याद है और मैं हैरान हुआ था उसकी लाइन देख के, और उसकी टखने से बहुत अच्छी लाइन बनती थी। देखें, जब आपकी नीचे की बॉडी की लाइन बन जाती है उसके बाद आपके 3 लाख होना बहुत जरूरी है। एक आपके हाथ का, दूसरा आपकी चिन का, तीसरा आपकी चेस्ट का। जब ये 3 लाख हो जाए उसके बाद फिर आपकी वही क्यूइंग शुरू हो जाएगी। पुश बैक स्विंग नेचुरल होगा, पुश पुश, और फिर आप पुश की तरफ जाएंगे, ये होगी आपकी परफेक्ट क्यूइंग। तो एक दफा मैं आपको स्टांस के बारे में बता दूं, पाकिस्तान में या स्नूकर में जो ज्यादातर इशू चलता है नीचे के बॉडी फ्रेम का, लड़कों का बॉडी फ्रेम इस तरफ को गिरता है लेफ्ट साइड में। आप सब लोग नोट करना, सबका बॉडी फ्रेम लेफ्ट साइड में गिरता है, स्ट्रेट बॉडी फ्रेम बहुत कम मिलेंगे आपको, स्ट्रेट में ये हो जाता है। और लाइन ऑफ एम के साथ सबसे जरूरी चीज मैं आपको एक बता दूं, जो कि बहुत से प्लेयर्स या कोच नहीं बताते, एम लेना, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं निशाना लेना। फर्ज करें कि आपके पास क्यू नहीं है, आपके पास क्यू बॉल है, मैं आपको कहता हूं कि क्यू बॉल से निशाना लें ब्लू का, तो आप अपने हाथ से निशाना लेंगे, अपनी ग्रिप से निशाना लेंगे, और आपकी कोशिश ये नहीं होगी कि आप यहां से निशाना लें जो आप क्यूइंग में करते हैं। क्यूइंग की ग्रिप बेस्ट ग्रिप यहां पर होती है, जहां से आप निशाना ले सकें और अपनी ग्रिप के साथ एम लिया करें। आपकी जो ग्रिप है वो हमेशा आपके एम के साथ, ये देखें, ये ग्रिप का एम बहुत जरूरी होता है। अगर आप ग्रिप का एम नहीं लेते तो आप ब्लाइंड स्नूकर खेल रहे हैं, सारे खेलते हैं और बहुत अच्छी खेलते हैं, मैं हैरान होता हूं ब्लाइंड स्नूकर वालों पे। तो कोशिश करें अपनी ग्रिप का जो एम है वो सब लोग परफेक्ट रखें, अपना नीचे का बॉडी फ्रेम है उसको बिल्कुल सीधा रखें, तो आपकी लाइन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है परफेक्ट हो जाएगी इसमें। और ग्रिप से एम याद के साथ लें सब, क्योंकि ग्रिप के साथ एम मैंने अभी तक अपनी कोचिंग की लाइफ में एक ही बंदे को देखा है दुबई में, मोहम्मद अल जोकर ग्रिप के साथ एम लेता है और बहुत खूबसूरत एम लेता है ग्रिप के साथ, और प्रेयर भी बहुत अच्छा है मोहम्मद अल जोकर। बस किसी बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म ना करना, उसकी बैड लक या उसके जज्बाती फैसले होते हैं। वैसे वो मैंने उसे देखा है, बहुत अच्छा सेंचुरी ब्रेकर प्लेयर है और बहुत ही परफेक्ट स्टंट खेलता है, उसके स्टंट में मुझे कभी कोई भी साइड नजर नहीं आई, और वो जो एम लेता है अपनी ग्रिप के साथ वो वर्ल्ड में मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट है। शायद ही कोई वर्ल्ड का स्नूकर खेलने वाला अपनी ग्रिप के साथ ऐसा एम लेता हो जो मोहम्मद अल जोकर लेता है।
आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। अपने बॉडी फ्रेम का ध्यान रखें, अपना क्यू के 3 लॉक का ध्यान रखें और अपनी ग्रिप से एम जरूर लें। तो मुझे आज इजाजत दें, इंशाल्लाह कल बेसिक्स की कोई नई वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलता हूं। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी। और याद से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने कहा हुआ कि सब्सक्राइबर जब 500 होंगे तो तब मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे कुछ लड़कों के मैसेजेस आए तो मुझे उनकी वजह से आधी रात को उठ के आना पड़ा। तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह कल आपसे नए लेसन के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।